हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं शीट मास्क के बारे में। जैसे ही आपने हमारा थंबनेल चेकआउट किया होगा कि शीट मास्क को कैसे लगाया जाता है और शीट मास्क के हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, आज हम बात करने वाले हैं एमकेफीन ब्रांड की। जैसे ही आपने हमारा थंबनेल चेकआउट किया होगा, आज हम प्रॉपर एमकेफीन के शीट मास्क के बारे में बात करने वाले हैं, जो रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुए हैं। अगर हम बात करें उसके वेरिएंट्स की, उसके अंदर टोटल 6 वेरिएंट हमारे पास एक्चुअल में अवेलेबल है। 6 के 6 वेरिएंट बहुत अवेजम है। उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट बनाई गई है कैफीन से रिलेटेड। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड बनाई गई है ग्रीन टी से रिलेटेड। मतलब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कैफीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के ऊपर स्किन बूस्टर का काम करता है, और टी ट्री एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन से ऑयल भी कंट्रोल करता है और बूस्टर भी देता है आपकी स्किन को। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंस है, और दोनों के अंदर 3-3 वेरिएंट्स भी हैं। मतलब अगर हम बात करें कैफीन के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल डिफरेंट है, और वैसे ही अगर हम बात करें टी ट्री के भी इंग्रेडिएंट बिल्कुल डिफरेंस है। ये एक ऐसे वेरिएंट्स है जिनके अंदर हम प्रॉपरली बात करेंगे इस बारे में कि हमें शीट मास्क को क्या कैसे यूज करना चाहिए और इसके हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसकी मेन खास बात क्या है। क्योंकि कुछ शीट मास्क ऐसे भी आते हैं मार्केट के अंदर, आप शीट मास्क तो लगाते हो, सपोज करो आपने फर्स्ट टाइम शीट मास्क लिया और आपने यूज किया, आपने शीट मास्क लगाने के बाद उसके अंदर जो सीरम बचता है उसको भी लगाया, बट उसके बाद बहुत इरिटेशन सा, बहुत चिपचिपा फेस हो जाता है। बट जो एक्चुअल शीट मास्क बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें डिलीवर करते हैं, वो कभी भी चिपचिपे नहीं होते, इरिटेटिंग बिल्कुल नहीं होते, वो इतने स्मूथ होते हैं कि लगाने के बाद जब आप उसको प्रॉपर रिमूव करते हो शीट मास्क को, तो आपको बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग से फील आती है। आज हम टोटल एमकेफीन के 6 वेरिएंट्स की बात करने वाले हैं। 3 हम बात करने वाले टी ट्री की और 3 बात करने वाले एमकेफीन की। तीनों के रिजल्ट बेस्ट है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कैफीन सीरीज, शीट मास्क का डिस्कशन करने से पहले अगर हम बात करें कि हमें शीट मास्क कैसे यूज करनी चाहिए, शीट मास्क को बेसिकली अगर हमें यूज करना है तो हमें फर्स्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको प्रॉपर हमें नाइट में यूज करना चाहिए। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि प्रॉपर नाइट के अंदर जब आप अपने किचन का काम निपटा लो उसके बाद आपको यूज करना चाहिए। थर्ड, जब भी आप इसको यूज करो तो आपको आफ्टर क्लींजिंग या फिर आफ्टर स्क्रबिंग के बाद या आपने फेस वॉश करना है नॉर्मल सा, उसके बाद यूज करनी चाहिए। डायरेक्ट विदाउट इम्प्योरिटीज को रिमूव किए, विदाउट वॉश आप यूज नहीं कर सकते रिजल्ट्स की आप डिजायर करते हो। बिकॉज जब तक हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज क्लीन नहीं होंगी तो आपको वो रिजल्ट डिलीवर नहीं होगा जिसकी आप डिजायर करते हो हमेशा। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें देखना है कि जो हम शीट मास्क लगाते हैं वो प्रॉपर आपके आईज और फेस के अकॉर्डिंग, जो उसके अंदर कट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करने होते हैं अपने फेस के ऊपर। अगर हम बात करें फिफ्थ की, आपको मैक्सिमम 15 मिनट तक लगाना होता है, 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल ना लगाओ। बिकॉज जब भी आप 15 मिनट से ज्यादा लगाते हो, जो आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन होती है वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती है आपकी शीट मास्क के अंदर ही। जो सीरम शीट मास्क आपकी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब कराती है, वो अगेन शीट मास्क जो ड्राई होती है वो अगेन आपकी स्किन से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है दोबारा। तो आपको बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना, कि जब भी आप उसको शीट मास्क को रिमूव करो आपको बिल्कुल भी फेस वॉश नहीं करना, आपको सेम एज इट इज जो सीरम आपकी स्किन के ऊपर लगा रहता है या फिर जो आपकी शीट मास्क पाउच के अंदर रह जाता है उसको प्रॉपरली आपने निकालना है, देन आपने यूज करना है। उतना भी रिजर्व सीरम रह जाता है शीट के अंदर, आपने अपने हैंड के ऊपर लेना है, उसको प्रॉपर अपने फेस के ऊपर लगा के टैपिंग करनी है, दैट्स इट। ये आपका एक कंप्लीट मेथड होता है एक शीट मास्क का लगाने का। अगर हम बात करें फर्स्ट शीट मास्क की, फर्स्ट आता है एमकेफीन का कॉफी शीट मास्क विद कोकोनट वाटर। ये ऐसा शीट मास्क है जो बहुत ही अल्टीमेट वेरिएंट है। जैसे ही आपको सबको पता ही है कि विंटर्स का आगाज हो चुका है पूरी तरह से, और विंटर्स के आते ही हमारी स्किन डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गई है, मतलब आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने शुरू हो गई है, तो आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता, बहुत रफ और डल हो चुकी है। तो उसके लिए कोकोनट वाटर एक डबल एक्शन का काम करती है, एक डबल मॉइस्चराइजेशन देती है हमारी स्किन के ऊपर। अगर आप इस शीट मास्क को यूज करते हो, ये प्रॉपरली आपकी स्किन को डीप तक हाइड्रेट करती है, लंबे समय तक आपकी स्किन को मॉइस्चर करती है, और सबसे अच्छी बात अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। ये एक डबल मॉइस्चर शीट मास्क है जो दी बेस्ट रिजल्ट्स हमारी स्किन के ऊपर कम्प्लीटली देती है। और सबसे अच्छी बात है, जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर आता है तो जो आपकी स्किन का ग्लो है वो बहुत ज्यादा एनहेंस होता है। बेस्ट प्रोडक्ट है, आप यूज करके ट्राई कर सकते हो, मेक श्योर आपको बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलने वाले हैं इस शीट मास्क। अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की वैल्यू की, 149 के अंदर हमें मिल जाता है, बहुत इकोनॉमिकल है। नहीं भी एमकेफीन की शीट मास्क है, ये टोटल 149 रुपीस के अंदर ही मिलती है। अगर हम बात करें अपने सेकंड शीट मास्क की, सेकंड आती है एमकेफीन की कॉफी शीट मास्क विद विटामिन सी। आप सब जानते हो कि विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट बन गया है जिसको हर ब्रांड अपने आप ही लॉन्च
कुछ करता है। विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को पूरा चेंज करने का दम रखता है। विटामिन सी सीरम के हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन भी देता है, मॉइस्चराइजिंग भी देता है, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशिंग, हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स, इन सबको रिड्यूस भी करता है और आपको दी बेस्ट सा ग्लो भी देता है। आपकी स्किन को फुलफिल करता है, आपकी स्किन की प्योरिटीज और बेस्ट रिजल्ट्स हमें डिलीवर करता है ये प्रोडक्ट। जितनी भी हमारी शीट मास्क है सबका यूज करने का मेथड सेम ही होता है, तो आप मेक श्योर आप विटामिन सी भी ले सकते हो, सेम प्राइस के अंदर हमें ये प्रोडक्ट भी मिल जाता है। अगर हम बात करें थर्ड वेरिएंट की, थर्ड आता है एम कैफेन की कॉफी शीट मास्क विद हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली होता क्या है? हाइलुरोनिक एसिड होता है बेसिकली हमारी स्किन के हाइड्रेशन के लिए ही। आज हम जितने भी बात कर रहे हैं एम कैफीन के अंदर, वो प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए ही कर रहे हैं। ये प्रॉपर इंटेंस करता है हाइड्रेशन को, मतलब अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हुई है, बहुत ज्यादा रफ एंड ड्राई हो रखी है, आप प्रॉपर इसका हाइलुरोनिक एसिड शीट मास्क यूज कर सकते हो। मेक श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन एक्सेस में ग्लो करेगी। बिकॉज अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो आपको दी बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं इस प्रोडक्ट से। ये एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो मिनी फेशियल का काम भी करता है, आपको 100% मेक श्योर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इस प्रोडक्ट। ये थे हमारे थ्री वेरिएंट्स एम कैफीन के कॉफी प्रोडक्ट्स के। अगर हम बात करें इसकी सेकंड डिवीजन ग्रीन टी की, अगर हम बात करें एम कैफीन के फर्स्ट शीट मास्क की जो ग्रीन टी की रेंज आती है, एम कैफीन का ग्रीन टी शीट मास्क, अगर हम बात करें फर्स्ट आती है एम कैफीन की ग्रीन टी शीट मास्क विथ निकामाइन। ये एक ऐसा शीट मास्क है जो बहुत ही बेस्ट है। निकामाइन बेसिकली करता क्या है हमारी स्किन के ऊपर, ये प्रॉपर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और पोर्स को रिफाइनिंग करता है, मतलब आपके जो पोर्स होते हैं उनको टाइटन अप करता है, उनको प्रॉपर रिफाइन करता है। अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड आपकी स्किन के ऊपर प्रॉपर हाइड्रेशन करता है, बिकॉज जब भी आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसको हाइड्रेट करता है, उसको पंप करता है ताकि आपकी स्किन का जो वाटर लेवल है उसको वो पूरा हो जाए। जब भी आपकी स्किन का पीएच बैलेंस लेवल होता है 5.5 तक, तो आपको दी बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं इस कैटेगरी के अंदर। मेक श्योर निकामाइंड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इस कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पोर्स भी टाइटन अप करेगा, सेकंड आपकी स्किन के ऊपर प्रॉपर हाइड्रेशन भी देगा। नहीं भी आपकी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करना एक टिपिकल सा टास्क होता है हर ब्रांड के लिए, बट एम कैफीन का निकामाइंड उसके लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेक श्योर अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप यूज करके ट्राई कर सकते हो, 100% आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे एम कैफीन की निकामाइंड शीट मास्क से। अगर हम बात करें सेकंड शीट मास्क की, सेकंड आती है एम कैफीन की ग्रीन टी शीट मास्क विद फ्रूट आहार मिक्स के साथ, मतलब एक ऐसा इंग्रेडिएंट, एक ऐसा फ्लेवर्ड सीरम जो फ्रूट के साथ इंफ्यूज है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो दी बेस्ट रिजल्ट देती है हमारी प्रॉपर। ये प्रॉपर आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड आपकी स्किन के ऊपर जितने भी एक्नेस और ऑयल को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। जब भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं और हाइड्रेटिंग पावर बहुत कम हो जाती है, तो उस चीज के अंदर ये प्रॉपर आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रेट भी करता है, एक्नेस को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन के ऊपर ऑयल भी कंट्रोल करता है। बेस्ट प्रोडक्ट है ये भी इसका। अगर आप फूड से रिलेटेड कुछ यूज करना चाहते हो, DIY समथिंग, तो आप इस शीट मास्क के साथ जा सकते हो, आपको दी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इस कैटेगरी के अंदर। अगर हम बात करें इस कैटेगरी के अंदर लास्ट और थर्ड वेरिएंट की, थर्ड आता है एम कैफीन का ग्रीन टी शीट मास्क विद विटामिन सी। अगर हम बात करें दोनों कैटेगरी के अंदर विटामिन सी आता है। विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट बन गया है जिसका आना बिल्कुल तय है, बिकॉज विटामिन सी के हमें इतने बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत ज्यादा। आप सब जानते ही हो कि विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट बन चुका है जो हमारी स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी स्किन के ऊपर वाइल्ड प्रॉपर्टीज होती है, उनको फुलफिल करता है। ये एक ऐसा शीट मास्क है जो प्रॉपर आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है। सेकंड, आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनके निशान होते हैं, उनको बहुत मिनिमाइज करता है, कंट्रोल करता है। आपकी स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है, हाइड्रेशन देता है बेस्ट क्वालिटी की। इतनी आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है उनको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एम कैफीन का शीट मास्क। सन प्रोटेक्शन से तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सन एक्सपोजर से, जिससे आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, तो उसको बहुत कंट्रोल करता है, बेस्ट रिजल्ट्स हमें डिलीवर करता है ये शीट मास्क। तो गो फॉर इट, आप शीट मास्क ले सकते हो। इनके अंदर कोई भी वेरिएंट जो आपको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो, आप उस कैटेगरी का शीट मास्क ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, इन शीट मास्क के अंदर ये आपको प्रॉपर बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है। आप ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन के ऊपर प्रॉपर चिपचिपा करेगा, बहुत इरिटेटिंग है, बिल्कुल नहीं है, बहुत रिफ्रेशिंग है। जब आप इसको रिमूव करते हो आफ्टर 15 मिनट्स, होप सो आपको वो रिजल्ट डिलीवर होंगे जो आप बिलीव नहीं कर सकते। बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है ये प्रोडक्ट, 100% आप यूज करके ट्राई कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई इन प्रोडक्ट से लेके क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हो, आपकी हर क्वेरी को फुलफिल करेंगे हम। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है
तो आप हमारे चैनल को कर सकते हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो मिलती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।